एक बार पूछा गया था इसको नीट में, मतलब डीएनए के अणु जो कुंडलित होती है उसको अकुंडलित कौन सी एंजाइम करती है? तो हम नाम याद किए हैं डीएनए हेलिकेज, और ऑप्शन में डीएनए हेलिकेज नहीं है, इसका दूसरा नाम को दे दिया गया था, जो नाम प्रचलन में नहीं है, डीएनए अनवांडेज, अनवांडेज तो इसका दूसरा नाम है, याद करके रखेंगे, पुस्तक में नहीं मिलेगा। उसके बाद है टोपो आइसोमिरेज, टोपो आइसोमिरेज, मान लो पहला एंजाइम इन दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया, इन दोनों एंजाइम को क्या कर दिया, हेलिकेज इस प्रकार से अलग कर दिया। अब इसमें अभी भी इस प्रकार से तनाव बना हुआ है कुंडली का, ये स्पाइरल है, एक दूसरे से अभी भी तनाव इसमें बना हुआ है, तो इसमें जो टेंशन होता है, तनाव होता है, उस टेंशन या तनाव को कम करता है टोपो आइसोमिरेज, मतलब पहले का कार्य है कुंडलित को अकुंडलित करना, और सेकंड वाले का काम होता है जो अकुंडलित होने के बाद उसमें जो तनाव होती है, उसमें जो टेंशन होती है, उस तनाव को क्या करती है, कम करती है, टोपो आइसोमिरेज। इसका दूसरा नाम होता है डीएनए गायरेज, इसका दूसरा नाम होता है डीएनए गायरेज, कई बार ये नाम लिख दिया जाता है और ये पुस्तक में इसको नहीं लिखा गया है, इसको गायरेज भी कहते हैं, क्लियर। उसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, ये बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है, इसका तो आजकल उपयोग डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में हो रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम लोग चौथे यूनिट में अध्ययन करेंगे, जो कहना चाहिए पीसीआर, पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, इनकी सहायता से एक टेक्निक है ये पॉलीमरेज चैन रिएक्शन पीसीआर, ये एक टेक्निक या विधि है, इनकी सहायता से डीएनए का एक अणु, मतलब जीन का एक अणु अपने समान कई मिलियन क्या कई बिलियन डीएनए अणु का निर्माण कर सकता है, मतलब जो डीएनए होता है, जो जीन होता है, रेप्लिकेशन के माध्यम से अपने समान नई अणु तो बनाता है, तो पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ये टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी, इनकी सहायता से जीन या डीन, जीन या डीएनए मिलियन या विलियन में कहना चाहिए नए डीएनए अणुओं का निर्माण कर सकता है, तो इसके लिए इसी एंजाइम को उपयोग किया जाता है पॉलीमरेज 1, 2, 3, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, आजकल कहना चाहिए वैश्विक कोरोना महामारी चल रहा है, तो आप लोग देखे होंगे व्हाट्सएप में, गूगल में, न्यूज़पेपर में, पहले एक सामान्य विधि से टेस्ट होता है, तो पहले सामान्य विधि से टेस्ट होता है, तो मान लो कहने की पॉजिटिव आ गया, तो उसको और कंफर्म करने के लिए एक पीसीआर टेस्ट लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, पीसीआर टेस्ट से कंफर्म हुई, तो पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन है, ये टेक्नोलॉजी है, इनके माध्यम से कंफर्मेशन किया जाता है, और इसके लिए किस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा, चौथा, पांचवा, कई प्रकार का खोज कर लिया गया है, जिनमें से पहला और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, पहला तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसी को एक बार पूछा गया था नीट में, क्या पूछा गया था, डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम का खोज किसने किया, डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम का खोज किसने किया, तो किसने किया है, कानबर्ग नामक साइंटिस्ट ने, कानबर्ग नामक साइंटिस्ट ने, फिर एक बार और क्या पूछा गया था डीपली, कानबर्ग नामक साइंटिस्ट ने खोज तो किया है, लेकिन वास्तव में किस बैक्टीरिया में इस एंजाइम का खोज किया है, कानबर्ग नामक साइंटिस्ट ने सेल्फ रेप्लिकेशन जो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में होती है उसका अध्ययन किया था, लेकिन कॉनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने
ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में इसका खोज नहीं किया था, ये एक दूसरा बैक्टीरिया है जिस पर इसका पहली बार खोज किया गया था। ठीक है, हालांकि अधिकांश बैक्टीरिया में पाई जाती है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि कानबर्ग नामक साइंटिस्ट ने डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज सबसे पहले किस बैक्टीरिया में की गई थी। तो इसका उत्तर है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस, इसको नोट कर लेंगे, ये पुस्तक में नहीं है, ये क्लियर। उसके बाद है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज या लाइगेजेज, ये कहना चाहिए समान प्रकार का डीएनए या असमान प्रकार के डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है। मतलब दो डीएनए हैं, दोनों या तो समान प्रकार के हैं या फिर अलग अलग प्रकार के हैं, तो दोनों को क्या करता है, वो जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर, इसको भी हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में विस्तृत अध्ययन करेंगे। डीएनए लाइगेजेस मतलब समान प्रकार के डीएनए या असमान प्रकार के डीएनए, इसको क्या करता है, ये जोड़ने का कार्य करता है। लेकिन यहां पर आपके पुस्तक में लिखा गया होगा ये ओका जाति खंड को जोड़ने का कार्य करता है। ये किसको जोड़ने का कार्य करता है, ओका जाति खंड को जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर, लेकिन विस्तृत और जानेंगे। ये समान प्रकार या असमान प्रकार के डीएनए को जोड़ने में सक्षम है, इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग अध्ययन करेंगे आगे। उसके बाद है आरएनए प्राइमर और आरएनए प्राइमेज। इनका कोई बहुत ज्यादा कार्य नहीं होता है। ये जो आरएनए प्राइमेज होता है इसका कार्य होता है इसका निर्माण करना। आरएनए प्राइमेज ही आरएनए प्राइमर का क्या करता है, निर्माण करता है। क्लियर, तो ये छह एंजाइम आप लोग याद करके रख लेंगे कि कानबर्ग नामक साइंटिस्ट ने ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में सेल्फ रेप्लिकेशन का अध्ययन किया और अध्ययन करके बताया कि इसके लिए कहना चाहिए पांच या छह प्रकार की एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, इसके बिना डीएनए के रेप्लिकेशन प्रभावित होगा। तो इसको कानबर्ग नामक एंजाइम ने या कानबर्ग नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था, जिसके कारण इसको कानबर्ग एंजाइम भी कहा गया है। क्लियर, अब देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए के रेप्लिकेशन का क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहले तो केवल तीन प्रकार बता दिया था, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, उसके बाद एंजाइम का नाम बता दिया। अब यहां पर देखेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन का कहना चाहिए क्रिया विधि को देखेंगे, मतलब उसके मैकेनिज्म को देखेंगे। क्लियर, ये एक जटिल प्रक्रिया है, इसको मैं पांच या छह पॉइंट में बता रहा हूं। पहले इसको जानना है तो आप लोग इसका पांच या छह पॉइंट है उसको पहले आप लोग याद कीजिए। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया विधि, ये कहना चाहिए लंबी जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें आपके बुक में पांच छह पॉइंट दिया गया है, तो यहां पर हम लोग पांच या छह पॉइंट के पहले नाम को याद कर लेते हैं। क्लियर, पहला पॉइंट होता है एक्टिवेटेड ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। एक्टिवेशन या एक्टिवेटेड, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सीराइबोज शर्करा का एक्टिवेशन होना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रख लेंगे फॉर्मेशन ऑफ रिकॉग्निशन साइट, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉग्निशन साइट, या दूसरा नाम है इसका इनिशिएशन साइट, मतलब हिंदी में है समारंभ बिंदु का निर्माण। पहला है डीऑक्सीराइबोज शर्करा का सक्रियण होना, एक्टिवेशन होना। दूसरा पॉइंट है समारंभ बिंदु का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉग्निशन साइट या फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट दूसरा। तीसरा पॉइंट है आरएनए प्राइमर का निर्माण। यहां कहने की जो आरएनए प्राइमर है ना, तो तीसरा पॉइंट में यही होता है आरएनए प्राइमर का निर्माण। चौथा पॉइंट है डीएनए से नई चैन का निर्माण होना, मतलब डीएनए के नई चैन से या डीएनए के जो ओल्ड चैन है उनसे नई चैन का निर्माण होना, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट याद रख लेंगे
ओका जाके खंडों का जुड़ना। पांचवा पॉइंट याद रख लेंगे, ओका जाके खंडों का जुड़ना। पांचवा पॉइंट याद रख लेंगे, डीएनए रिपेयर एंड प्रूफ रीडिंग। डीएनए रिपेयर एंड प्रूफ रीडिंग, यदि आप लोग इस छह पॉइंट को याद कर लिए हैं, इस छह पॉइंट को याद कर लिए हैं, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। पहला है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोस शर्करा, मतलब डीऑक्सी राइबोस शर्करा का सक्रिय होना, सक्रियण होना। सेकंड याद रख लेंगे, समारंभ बिंदु का निर्माण होना। तीसरा याद रख लेंगे, आरएनए प्राइमर का निर्माण होना। चौथा याद रख लेंगे, डीएनए के अणु से नई अणु या नई चैन का निर्माण होना। पांचवा याद रख लेंगे, एक छोटा सा पॉइंट उसको छोड़ दिया हूं, पांचवा पॉइंट याद रख लेंगे, ओका जाकी खंडों का जुड़ना। और छठवा पॉइंट याद रख लेंगे, डीएनए रिपेयर एंड प्रूफ रीडिंग। क्लियर? अब इतना जानने के बाद आपको कहना चाहिए एक चित्र भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा आपको? एक चित्र। डीएनए के रेप्लिकेशन आता है, यदि मान लो आप लोग को पहले बताया मैं सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव डिस्पर्सिव, यदि कहने चाहिए सामान्य विधि भी आता है तो भी आपको चित्र बनाना पड़ेगा पहला वाला। एक और आप लोग को चित्र बता रहा हूं मैं, ठीक है? ये चित्र आप लोगों के पुस्तक में दी गई है, हर बुक में लगभग यही चित्र होता है। आप लोग कोई भी राइटर का कोई भी प्रकाशक का बुक पढ़िए, ये चित्र अनिवार्य रूप से रहेगा। क्लियर? तो देखिए, इस चित्र के माध्यम से बहुत ही सामान्य चित्र है, ये कहने की क्या है, डीएनए का मॉडल है। एक इस प्रकार का मॉडल दिया जाता है और एक इस प्रकार का दिया जाता है, ठीक है? ये जो ए टी सी जी टी ए, ये क्या है, एक नाइट्रोजन बेस है। इसमें क्षारकों का युग्मन हमेशा ऐसे ही करना, ए का टी से, टी का ए से, इसमें डबल बॉन्ड, सी का जी से और जी का सी से, इसमें हमेशा ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये 8-9 गवा 9 साइटोसिन थायमिन है, नाइट्रोजन बेस। और ये एस एस क्या है, ये सुगर, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, ये पेंटोस सुगर है ये। और ये पी 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 क्या है, ये फास्फोरिक एसिड, एस थ्री पी ओ फोर भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये क्या है जी, ये थ्री इंड से शुरू होगा तो फाइव इंड में खत्म होगा, ये फाइव इंड से शुरू होगा तो थ्री इंड में क्या होगा, समाप्त होगा। ये कहना चाहिए पेरेंट्स का जनक का मूल डीएनए है। क्या है ये? मूल डीएनए। जब डीएनए का रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड सा होता है ये टूट जाता है, ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। तो ये कहना चाहिए, मान लो ये टूट गया तो ये अलग हो जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे। तो देखिए, जब ये अलग होते हैं इतना भाग, तो उसको मैं यहां पर बना दिया हूं ये, और इसको मैं लिख दिया हूं ओल्ड स्ट्रैंड। और ये भाग जब ये अलग होती है तो इसको मैं यहां पर बना दिया हूं, यहां पर ये क्या है, ओल्ड स्ट्रैंड। और ये भी क्या है, ओल्ड स्ट्रैंड। और हमको पता है कि ये सब पदार्थ, मतलब ये जिस पदार्थ से मिलकर बना होता है, ये सब पदार्थ कहना चाहिए कोशिका के अंदर मौजूद होती है, मतलब नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट, फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस शर्करा केंद्रक के अंदर तो बहुतायत में है, और कोशिका द्रव्य में भी माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। तो अपने कहना चाहिए जो पुराने खोए हुए भाग है उसको कोशिका के अंदर से ही प्राप्त कर लेते हैं, तो ये कहना चाहिए ओल्ड स्ट्रैंड। ये क्या है, ये ओल्ड स्ट्रैंड। और ये क्या है, ये ओल्ड स्ट्रैंड। अब ये कहना चाहिए इतना तो अलग होगा, ये टी बना लेगा, सी ये जी खोज लेगा, टी ये अपना जोड़ी बना लेगा, ये जो टी इधर है ये अपना जोड़ी बना लेगा, जी
ये जोड़ी बना लेगा, ये जोड़ी बना, ये बहुत लंबा होता है, ये क्या होता है बहुत बड़ा होता है। न्यूक्लियोटाइड की संख्या तो कहना चाहिए मिलियन बिलियन में होती है, ठीक है। तो हमको यहां से यहां तक यही नहीं बनाना है, छोटा सा बना दिया मतलब समझ गए, क्लियर। अब ये कहना चाहिए ये ओल्ड स्ट्रैंड और ये न्यू स्ट्रैंड, ये ओल्ड स्ट्रैंड और ये न्यू स्ट्रैंड। तो कहना चाहिए जो डीएनए का दो स्ट्रैंड था, दोनों अलग होती है और अपने खोए हुए भागों को क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है, और एक डीएनए से क्या बन जाती है, दो डीएनए बन जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन। इस चित्र को बनाएंगे जरूर, ठीक है, चाहे आप सेमी कंजर्वेटिव का अध्ययन कर रहे हो, चाहे कंजर्वेटिव चाहे डिस्पर्सिव। और अगला हम लोग पढ़ रहे थे अभी मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का क्रिया विधि। तो क्रिया विधि का आप लोग आंख बंद करके 6 पॉइंट को पहले याद कीजिए, पॉइंट को याद नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस चित्र को बना देंगे, 2-3 पॉइंट को लिखेंगे, उसके बाद 20 मिनट चित्र को बना देंगे, फिर इस चित्र को बना देंगे, क्लियर। तो पहला बता रहा हूं, पहला पॉइंट में क्या है, एक्टिवेशन ऑफ डीआरसी राइबोस सरकरा। तो डीएनए रेप्लिकेशन के पहले एटीपी एंजाइम की सहायता से क्या होता है, फास्फोराइलेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होने के पहले एटीपी एंजाइम की सहायता से मतलब फास्फोराइलेशन होता है, क्या होता है, फास्फोराइलेज या फास्फोराइलेशन होता है, क्लियर। और यहां पर क्या बनेंगे, इसके ट्राइफास्फेट, क्या बनेंगे इसके ट्राइफास्फेट, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के पहले ही एटीपी की सहायता से फास्फोराइलेशन या फास्फोराइलेज होगा, ठीक है। और यहां पर क्या बनेंगे, ट्राइफास्फेट मतलब 3 फास्फेट बनेंगे पहले चरण में, क्लियर। दूसरे चरण में नाम से क्लियर है, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट या फॉर्मेशन ऑफ रिकॉग्निशन साइट। तो डीएनए रेप्लिकेशन के समय या डीएनए का रेप्लिकेशन एक विशिष्ट बिंदु से शुरू होती है, उस विशिष्ट बिंदु को ही कहा जाता है समारंभन बिंदु, रिकॉग्निशन साइट। मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन एक छोटी सी बिंदु से प्रारंभ होगा, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, इनिशिएशन पॉइंट या रिकॉग्निशन साइट या फिर हिंदी में समारंभ बिंदु मतलब प्रारंभ करने वाला बिंदु। तो कानबर्ग ने यह बताया है प्रारंभ करने के लिए कम से कम 2 एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, कितने एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, 2, वही 2 एंजाइम है जिसको मैं सबसे पहले बताया था, डीएनए हेलिकेज और दूसरा डीएनए टोपो आइसोमिरेज, पहले वाले कुंडलित को अकुंडलित करेगा और सेकंड वाले कुंडली में कहना चाहिए जो तनाव होती है टेंशन होती है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है, क्लियर। तीसरा पॉइंट होता है आरएनए प्राइमर का निर्माण होना, तीसरा पॉइंट होता है आरएनए प्राइमर का निर्माण होना। तो डीएनए रेप्लिकेशन के समय ही समारंभ बिंदु पर रिकॉग्निशन साइट पर आरएनए के छोटे से टुकड़ा का निर्माण होगा। डीएनए रेप्लिकेशन के समय समारंभ बिंदु पर आरएनए के छोटे से टुकड़े का निर्माण होगा, उसी आरएनए के छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है, आरएनए प्राइमर। और इस आरएनए प्राइमर का निर्माण कौन करता है, आरएनए प्राइमेज, अभी बताया था आप लोग को मैं। और ये केवल कुछ समय के लिए सक्रिय रहती है, अब बाद में तुरंत क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, इनका खैर कोई ज्यादा कार्य यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन हाँ, तीसरे चरण में आरएनए के छोटे से टुकड़े का निर्माण होगा, उस छोटे से टुकड़े को हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए प्राइमर, इसका निर्माण होगा आरएनए प्राइमेज से, क्लियर। चौथा पॉइंट है डीएनए से नई चेन का निर्माण होना। मान लो कहना कि ये यही चित्र उसको फॉलो करता है चौथे पॉइंट को, ये डीएनए का मूल अणु है, ये क्या हो गया अलग, अब ये क्या हो गया अलग, तो ये कौन सा चेन हो गया ओल्ड, ये कौन सा चैन है ओल्ड,
तो डीएनए की जो चैन होता है मतलब ओल्ड स्ट्रैंड होता है वो नई चैन का क्या करता है, निर्माण करता है। इसी को चौथे पॉइंट में बताया गया है, डीएनए से नई अणु या नई चैन का निर्माण होना। तो यहां पर कौन सा एंजाइम कार्य करती है, डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसी का खोज कानबर्ग नामक साइंटिस्ट ने थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया में किया था। और डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4, 5 उसमें से 4, 5 का तो ज्यादा महत्व तो नहीं है, इसके बारे में मैं भी ज्यादा नहीं पढ़ा हूं। अन्य पुस्तकों में लिखा रहता है डीएनए पॉलीमरेज 2, ये इसका कार्य अज्ञात है। डीएनए पॉलीमरेज 2 इसका कार्य क्या है, अज्ञात है कुछ दूसरे बुक के अनुसार। लेकिन 12वीं का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार कहना चाहिए कुछ बुकों में 1 और 2 डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 दोनों का कार्य रिपेयर बताया है, मरम्मत करना। मतलब पॉलीमरेज 1, 2 दोनों का कार्य क्या बताया है, डीएनए के खंड को मरम्मत करना, रिपेयर करना। लेकिन अन्य पुस्तकों में 2 का कार्य अज्ञात बताया गया है, क्लियर। डीएनए पॉलीमरेज 3 का कार्य होता है चैन इलांगेशन, मतलब चैन को बड़ी बनाना। पहला वाला तो मरम्मत कर दिया, थर्ड वाला क्या कार्य करेगा, चैन का इलांगेशन, मतलब उसमें जुड़ती जाती न्यूक्लियोटाइड और डीएनए का अणु क्या होती जाती है, दीर्घीकरण मतलब बड़ी होती जाती है, उसी को चैन इलांगेशन कहा गया है, क्लियर। चौथे पॉइंट में, पांचवे पॉइंट में याद रखेंगे ओकाजाकी खंडों का जुड़ना, ओकाजाकी खंडों का जुड़ना। ये ओकाजाकी खंड क्या है, अलग टिप लग रहा है, कई बार इसको नीट में पूछा जाता है, ओकाजाकी खंडों को कौन सा एंजाइम जोड़ता है, ओकाजाकी एंजाइमों को, ओकाजाकी खंडों को कौन सा एंजाइम जोड़ता है, तो उत्तर में याद रख लेने आप लोग, डीएनए लाइगेज या लाइगेजेज, ईएस लगा देंगे तो लाइगेजेज हो जाएगा वो, क्लियर। तो ओकाजाकी खंड क्या है, जब कहना चाहिए चौथे पॉइंट के बाद अगला चित्र बनता है इस प्रकार से वाई आकार का, इसको हम लोग वाई आकार का बोल सकते हैं, कई बार पूछा जाता है मतलब वाई आकार कब बनती है, तो डीएनए रिप्लिकेशन के समय बनती है। और जब ये वाई आकार का बनती है तो इसमें 2 स्ट्रैंड यहां पर पाए जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड का नाम याद रख लेंगे, एक को कहा जाता है लीडिंग, एक को कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड और सेकंड को कहा जाता है लेगिंग स्ट्रैंड। कहना चाहिए एक क्या है,